अभी सुबह से आप लोग बहुत न्यूज़पेपरों में देख रहे होंगे और सोशल मीडिया पर भी देख रहे होंगे, जैसे आप लोग फेसबुक पर भी, कई जगह मैंने व्हाट्सएप पर भी देखा कई जगह, कि एमपी जो जेल पहरी की वैकेंसी है इसका नोटिफिकेशन आया हुआ है। और जब आप इसकी मेन साइट पर जाएंगे, एमपी ऑनलाइन हो गया, फिर चाहे एमपी व्यापम की साइट हो गई, या फिर एमपी पीवी जो है, www.pib.mp.government.in, इस पर भी आप लोग जा रहे होंगे तो यहाँ भी आपको नोटिफिकेशन नहीं दिखाई दे रहा होगा। लेकिन मैंने अभी नई दुनिया पेपर पढ़ा तो उसमें आपको ये नोटिफिकेशन का ये मतलब प्रचार की तरफ एक कॉलम में दिया गया है इसमें। तो जैसे ही आप लोग देखिए, आज का ही पेपर है आपका ये 27, सोमवार 27 जुलाई 2020 का, ये नई दुनिया का पेपर है, दैनिक भास्कर में भी है, याद रखिए भोपाल एडिशन देखिए आप लोग, उसमें भी आपको दिखाई देगा ये। जैसे ही हम लोग आगे चलेंगे तो इसके और आगे चले चलिए आप लोग, इसमें देखेंगे ये पांचवा पेज हो गया, ये आपका छठवा पेज हो गया, उसमें आप देखेंगे ये सातवा पेज है, क्या है सातवा पेज। जैसे ही सातवें पेज पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ देख रहा होगा आपको, देखिए जेल मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत जेल पहरी भर्ती परीक्षा 2020 के आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र की जो पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि है, अगर इसके बारे में हम लोग बात करें तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ क्या दिखाई दे रहा है कि 27, आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि बताई जा रही है 27 जुलाई 2020, यानी कि 27/7/2020, और आवेदन पत्र की भरने की अंतिम तिथि बताई जा रही है यहाँ 10/8/2020, यानी कि 10 अगस्त 2020, और आवेदन पत्र में संशोधन यानी कि कुछ गड़बड़ी हो जाती है उसकी तिथि बताई जा रही है यहाँ 27/7/2020, और आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि बताई जा रही है, प्रारंभिक तिथि हो गई और अंतिम तिथि इसमें बताई जा रही है 15/8/2020, यानी कि 15 अगस्त 2020 को परीक्षा व दिन का नाम दिया जा रहा है 3 से 10 नवंबर के बीच कराई जाएगी, 3 तारीख से 10 नवंबर के बीच 2020 में ही करवाई जाएगी। सीधी परीक्षा और संविदा दोनों पदों हेतु है। इसमें अनारक्षित यानी कि सामान्य वर्ग के जो इसमें छात्र होंगे उनके लिए ₹500 फीस लगेगी, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और जो विकलांग है उनके लिए आपकी 250 फीस दी गई है यहाँ, और सीधी भर्ती अगर विकलांग है पूरी तरह से तो उनके लिए कोई शुल्क नहीं दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाली अभ्यर्थी हेतु एमपी ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क ₹60 देना होगा एक विद्यार्थी को। इसमें अतिरिक्त रजिस्ट्रेशन सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने पर पोर्टल शुल्क ₹20 दे होगा, यानी कि ₹20 और अलग से लिए जाएंगे आपके। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ कि ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी ये दिया गया है आपका 3 नवंबर से 10 नवंबर 2020 तक, प्रथम पाली में होगी, दो पाली में ये परीक्षा होगी, मतलब एक ही दिन में दो दो बार होगा। ये सुबह 7 से 8 बजे तक रहेगा, और यानी कि रिपोर्टिंग का टाइम है 7 से 8 बजे तक आपको उपस्थित हो जाना होगा, और ये आपका 8:50 से 9:50 से पढ़ने महत्वपूर्ण जो भी निर्देश दिए जाते हैं उस फॉर्म परीक्षा में, जो भी आपका पेपर में, उसे 8:50 से 9:50 तक यानी कि 10 मिनट का टाइम पढ़ने के लिए होगा, और उत्तर अंकित करने का होगा 9 से 12, यानी कि 3 घंटे का ये पेपर होगा। फिर द्वितीय पाली में भी होगा, यानी कि जैसे आपका हो जाता है अभी या फिर शाम की पाली में हो जाता है, तो दूसरी भी पाली इसमें है, मतलब दूसरे विद्यार्थियों के लिए, किसी का सुबह की पाली में हो जाता है, किसी का शाम की पाली में हो जाता है। तो ये आपका अभ्यर्थी के लिए रिपोर्टिंग टाइम रहेगा 12 से 1 बजे तक, और पढ़ने का समय वही 1:50 से 2 बजे तक, यानी कि 10 मिनट का टाइम मिलेगा, और पेपर होगा 2 से 5 बजे तक, यानी कि 3 घंटे का इसमें भी समय रहेगा। यहाँ कहने का मतलब है एक ही परीक्षा के दो पेपर नहीं है, अभ्यर्थी अलग अलग हो सकते हैं, जैसे आप जानते हैं कि क्या होता है कि ज्यादा अभ्यर्थी होते हैं, तो एक ही दिन में पेपर, एक ही शिफ्ट में पेपर कराना संभव नहीं होता है,
तो जैसे आपका पेपर सुबह हो गया, आपके मित्र का शाम के पेपर हो गया, इस तरह से पेपर आपका होगा, पेपर एक ही होगा, ऐसा नहीं है पेपर दो हो, ठीक है? याद रखना पाली एक और दो, अब आपका सुबह भी पढ़ सकता है शाम को भी पढ़ सकता है। और याद रखिए ये बताया जा रहा है कि वेबसाइट इस पर आवेदन पत्र भरा जा सकता है www.peb.mp.government.in, तो इस पर आप लोग चेक करते रहिएगा, शाम तक हो सकता है कि डल जाए या नोटिफिकेशन भी डल जाए आपका और फॉर्म भरने लगे, तो आप लोग देख सकते हैं इसे, ये नई दुनिया का है पेपर, मुझे बताया गया है कि कई जगह मैंने देखा है, तो दैनिक भास्कर में भी निकला हुआ है आपका, और ये नई दुनिया है, नई दुनिया के आपके सातवें पेज पर आप लोग देखेंगे तो ये नोटिफिकेशन डला हुआ है, जो भी हो लेकिन अब याद रखिए आप आपकी जॉब निकलेंगी, फिर चाहे एफपी पुलिस हो, फिर चाहे कोई भी आपका टीचर्स का हो, बैग एक दो तीन, या फिर आपका पोस्ट ऑफिस, इस तरह की जो भी एग्जाम होंगे, क्योंकि अब निकालेंगे। और नोटिफिकेशन तो इसलिए दे दिया गया क्योंकि आपने देखा है चुनाव भी अभी उपचुनाव होना है, तो उसमें भी अपनी अपनी राजनीति रहती है, तो इसलिए भी, लेकिन लगे रहिए आप लोग पढ़ते तो रहिए, कम से कम अगर आ जाता है तो आप देने की स्थिति में हो, अगर आपको देखना है तो ये नोटिस याद रखिए ये आपका नई दुनिया में है, और आप ऑनलाइन भी इसे देख सकते हैं ई पेपर के द्वारा, ई पेपर नई दुनिया आप लोग जैसे ही डालेंगे गूगल पर सर्च करेंगे उसमें भी ये पेपर आपको मिल जाएगा, ठीक है? क्योंकि मैंने देखा कल सुबह से, अभी मैं अभी जस्ट खोली फेसबुक पेज खोला और बाकी जीमेल पर देखा तो कई बच्चों के एसएमएस पड़े हुए थे, तो मुझे लगा कि बता दिया जाए, क्लियर कर दिया जाए, फिर मैंने न्यूज़पेपर सर्च किए दो तीन, उसमें देखा सभी में, तभी मैंने आप लोगों को बताया है, क्योंकि गलत जानकारी आप देखते हैं फेसबुक पर आग की तरह फैलती है, तो मुझे लगा क्लियर कर लें उसके बाद आप लोगों को बता दें, ठीक है? तैयारी करते रहिए और सिलेबस देख लीजिएगा इसका और पढ़ते रहिए, जब से फॉर्म भरेंगे ठीक है आप लोग डाल देना, अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक? एमपी और स्पेशल और जो सामान्य ज्ञान है मैंने पूरा कवर करवा दिया है, उसे आप लोग देख सकते हैं, उससे मुझे नहीं लगता है कि आपका एमपीपीएससी लेवल का करवा दिया गया है, तो वहां से आप लोग कवर कर सकते हैं, ठीक है? जो भी अपडेट होता रहेगा मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक?